सर्वप्रथम ओम सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और अन्य साथी, आज सभी को पता है 15 अगस्त है और हम जानते हैं कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। मैं आपको बताऊंगा आज कि आज़ादी कितनी मुश्किलों से हमें मिली थी और आज भी कहीं ना कहीं हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जिससे कि दोबारा से वही समय आने की मुसीबत हमारे ऊपर आ सकती है। एक छोटा सा किस्सा याद है, मुझे कहीं पढ़ा था मैंने एक बार भगत सिंह के बारे में, जब उनको फांसी की सजा भूल चुकी थी, लाहौर जेल में थे वो, और लाहौर जेल में थे तो अगर वो चाहते तो अपनी फांसी की सजा जो है माफ़ करवा सकते थे। वो कैसे? अंग्रेज़ों ने उनको एक बात बोली कि अगर वो माफ़ीनामा लिख के दे देंगे कि उन्होंने जो किया था, एक कोर्ट के अंदर छोटा सा उन्होंने एक धमाका कर दिया था, कोई हानि तो नहीं हुई किसी की, बस वो उनको दिखाने के लिए किया था। वो बोले कि अगर ऐसा कोई कार्य ना करे और उसके लिए माफ़ी मांगे कि मेरे से वो गलती हुई थी, तो हम इसको माफ़ कर देंगे और फांसी की सजा को इसकी रद्द कर देंगे। और ये जो बात है उन्होंने महात्मा गांधी जी के आगे रखी थी, और महात्मा गांधी जी के आगे रखी तो महात्मा गांधी ने जब ये बात लाहौर जेल में शहीद भगत सिंह जी के पास भेजी और उनके पास भेजी तो भगत सिंह ने जाते ही मना कर दिया। एक छोटा सा छोटी सी बात थी और आसानी से उनको पता था कि वो बच सकते थे फांसी से। आज के समय में सभी को मौत से डर लगता है। अगर मैं एक बात करूं बहुत आसान शब्दों में, या हम योगा के लिए बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बचाने के लिए प्रयास है कि हम बीमारियों से बचे रहें। अगर आज हम डरते हैं तो शरीर की बीमारियों से डरते हैं, और सबसे ज़्यादा हम डॉक्टर से डरते हैं। लेकिन उस समय उनको पता था कि मैं जीवित रह सकता हूँ अगर एक माफ़ीनामे पे दस्तखत कर दूँ। उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि अगर मैंने यहाँ पे दस्तखत कर दिए तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे फांसी चढ़ने से मेरे जैसे हजारों लाखों भगत सिंह पैदा होंगे भारत में। क्यों होंगे? एक क्रांति आएगी पूरे देश में। जो क्रांति उस समय चली हुई थी आज़ादी की, वो बहुत कई गुना तेजी से बढ़ जाएगी अगर मैं फांसी चढ़ूंगा। अगर मैंने इस माफीनामे पर दस्तखत कर दिए तो यही क्रांति आधी से भी कम रह जाएगी। और इस क्रांति को जगाने के लिए, मात्र इस क्रांति को जगाने के लिए उन्होंने उस माफीनामे पर दस्तखत नहीं किए, उन्होंने मना कर दिया। यहां से हमें सीखने को मिलता है कि उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। अगर चाहते तो वो माफीनामे पर साइन करके, बहुत आसान था। आजकल हमें गलत बताया जाता है कि गांधी की उससे कुछ ऐसा हुआ था, पूरी तो मेरे को नहीं पता लेकिन मैंने पढ़ा था कहीं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अगर हम आज एक संकल्प लेके जाए यहाँ से कि हम अगर कोई कार्य करेंगे तो एक बार ये सोचेंगे कि हमारे देश के लिए कोई फायदेमंद है या नहीं है। क्योंकि भगत सिंह की आयु कुछ ज़्यादा नहीं थी, 20-21 साल की आयु थी, और इतनी आयु में इतनी देशभक्ति, अगर आज के सभी युवाओं में आ जाए तो कोई भी युवा जो है गलत रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये अगर संकल्प हम करेंगे, हम प्रयास करेंगे, अगर हम कुछ 5, 10, 20, 50 को भी सुधार पाए तो वो भी आगे बढ़ते जाएंगे। और भी कई किस्से हैं हमारे देशभक्ति के ऊपर जिनमें हमें सीखने को इतना मिलता है कि देशभक्ति कितनी थी। लेकिन आज के समय में ऐसा है, अभी अगर हम देशभक्ति की बात करने लग जाए कहीं भी जाकर तो उसको सब क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैं खुद अध्यापक हूँ और जब कई बार बच्चों के सामने बातें करता हूँ तो आजकल के बच्चे पता नहीं क्या उनकी सोच हो गई है, या तो वो आप टीवी की देन मानो, टेलीविजन जो है बहुत बड़ी बीमारी हमारे घर में आ गई है, इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है। और इसके बाद ये मोबाइल आ गया,
टीवी भी बहुत बड़ी बीमारी है जी, घर में किसी को नहीं छोड़ा इसने, महिलाओं को नहीं, पुरुषों को नहीं, किसी को नहीं छोड़ा। हम मनोरंजन का इतना बड़ा इसको साधन मान बैठे हैं, मनोरंजन नहीं है ये हमारे मन का सबसे बड़ा, मन को खोने वाला है, मन इससे अनियंत्रित है बिल्कुल, और सबसे बड़ा दिमाग, और ये दोनों ही जिसके नियंत्रण में नहीं होते, कुछ कर लें हम चाहे कुछ भी नहीं होगा। अभी यहाँ पे बैठे हैं सभी, योगा कर रहे हैं, मैं नहीं कुछ बोलूंगा उनको, लेकिन जिसका मन अनियंत्रित है, जो नहीं सोच पा रहा है कि मैंने करना क्या है, अच्छा बुरा क्या है मेरे सामने, वो शरीर को कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, सभी को पता है ये, और एक मैंने कहावत सुनी थी, आत्मा सु परमात्मा, कि जो अपनी आत्मा को जान जाएगा वो परमात्मा से मिल जाएगा। आत्मा ही हमारे शरीर का वो अंश है, सूक्ष्म कण है, जिससे हम जीवित हैं, और इस पूरी प्रकृति में आत्मा क्या है, एक ऊर्जा है जो ना तो कभी मरती है ना कभी जीवित होती है, और जो इसको हमारे जो पूर्वज हैं, मैं सुनता था पहले कि ऋषि मुनि जो हजारों साल तक जीवित रहते थे, उसका बहुत बड़ा कारण था उनकी आध्यात्मिक शक्ति, कोई अंधविश्वास नहीं था, वो अपने योग से तपस्या से कई 100 साल 200 साल तपस्या करते थे। उसके बाद मैंने इतना भी सुना है कि जिस किसी आश्रम में अगर कोई ऋषि ने 50 साल तपस्या कर ली तो उसकी ऊर्जा उस आश्रम में अगले 50 साल तक रहेगी। अगर कोई बीमार प्राणी उस आश्रम में अगर पहुंच भी जाए एक बार तो वहां पे उसके बीमारियां खत्म हो जाती थी, इतना तेज होता था उनका। और आज हम अगर इस योगा के साथ योग भी करें, योगा और योग दो अलग अलग चीजें हैं, योगा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन योग एक अलग ही मायने है, हमें आध्यात्मिक की तरफ लेके जाता है, अपने आप का ज्ञान, अपने अंदर झांक कर देखें हमने अच्छा किया क्या है, बुरा क्या किया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुराई और अच्छाई जान जाएगा शायद ही वो गलत कोई कार्य कर पाए, क्योंकि उसको पता होगा, अपना आत्मचिंतन कर पाएगा वो, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम स्वतंत्रता के ऊपर बात कर रहे थे, आज जो है अभी सुबह का समय है, पूरा दिन बाकी है, तो यहाँ बैठे सभी गण जो हैं कोशिश प्रयास करें, मेरी एक विनती आप सभी से कि आप सभी अपने घरों में आपके बच्चे हैं उनसे आज एक एक पेड़ लगाने का जरूर बोलें, या उनका जब भी किसी बच्चे का जन्मदिन आता है तो उनको समझाएं कि वो एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि मेरा मानना ये है ये पेड़ जो है ये हमारे को सब कुछ देते हैं फ्री में, बिल्कुल बिना हमारे से कुछ लिए, कभी मांगते नहीं। मैं भगवान की जो परिभाषा जानता हूं, मेरे मायने में पंच तत्व है भगवान, और वो है बै से भूमि, गैसे बनता है गगन, अगर मैं भगवान को तोड़ रहा हूं एक एक शब्द को, और वैसे बनती है वायु, और ऐसे अग्नि, नैसे नीर। अब ये पंच तत्व हमारे भगवान में है, और ये पंच तत्व हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो प्रकृति की पूजा कर ली जिसने, उसने भगवान की पूजा कर ली। और पेड़ पौधे जो हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक गैस लेते हैं, सांस लेते वक्त वो ऑक्सीजन है, और एक गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन गैस हमें सिर्फ और सिर्फ मिलती है पेड़ पौधों से, और कहीं से नहीं मिलती। और दूसरी और बात, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो हमारी कोई सोख सकता ही नहीं, यानी कि उसको खाने का कोई काम नहीं कर सकता सिर्फ पेड़ पौधों के अलावा। अब ये बात हमें पता है, उसके बावजूद भी अगर हम आज हमारे भारत देश में पेड़ों की संख्या गिनी जाए तो तुलना करते करते हम इतने कम पहुंच चुके हैं कि एक व्यक्ति को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उसके पास उसका परसेंटेज घट चुका है। अगर उसको 21% मिल रही थी तो उसको आज 11 से 15% भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेड़ पौधे घट रहे हैं। हमारे पूर्वजों को बहुत चीजें पता था, एक तुलसी का पौधा होता है घरों में, उसकी बहुत अहमियत थी, पौधा नहीं बोलूंगा तुलसी माता ही बोलिए उसको, उसकी अहमियत क्यों थी? क्योंकि वो पौधा ऐसा है कि पूरा दिन और रात, क्या यहाँ कोई बैठा है जो 24 घंटे कार्य कर सकता हो, पूरे 24 घंटे कार्य करता हो कोई?
नहीं होगा, होगा भी नहीं, कोई मनुष्य से होता नहीं है। हमें 24 घंटों में आराम जरूर चाहिए, लेकिन तुलसी का पौधा पूरे 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दूसरे नंबर पे आता है पीपल का पौधा, उस पर भी हम जल चढ़ाते थे पहले, पूजा करते थे उसकी, उसका कारण क्या था, वो भी हमें ऑक्सीजन देता है। अगर आपके आपको अपना शरीर ठीक रखना है तो हमारे लिए ऑक्सीजन प्राणवायु है। क्यों प्राणवायु है? क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारा पूरा शरीर चलता है। हमारे जो योगी महापुरुष जीवित रहे हैं लंबे समय तक, वो ऑक्सीजन का कारण है। क्योंकि योग प्राणायाम आप जो भी कर रहे हो, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। और जितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आपके शरीर में कोई बीमारी घुस भी नहीं पाएगी, कभी नहीं घुस पाएगी। अब इसके साथ साथ और भी कई पौधे हैं, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पेड़ पौधों को अगर बचाएंगे हम, तो हमारी प्रकृति बचेगी और हमें उतनी ज़्यादा शुद्ध वायु मिलेगी। शुद्ध वायु मिलेगी तो हम अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे और देश के लिए भी योगदान दे पाएंगे। और कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी जो है, अभी जो योगा कर रहे हो आप, इसका फायदा तभी होगा जब आप बिल्कुल मन से सोच कर लगाओगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप पूरे मन से इस पे पूरा मन लगाओगे, मन का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि इसके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया है। हमारी जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, वो सिर्फ ब्रेन के बारे में जानती है, दिमाग के बारे में, मन के बारे में नहीं जानती। उनको पता ही नहीं है मन कहाँ है, आज तक उनको पता नहीं है ये चीज़ की मन है कहाँ। वो मन और दिमाग की एक चीज़ को मानते हैं। इसलिए हम मन को अगर जान सकते हैं तो सिर्फ योग के द्वारा जान सकते हैं। और करोड़ अभी एक भजन गाया था यहाँ पे, तो उन्हें बताया गया था कि क्रोध लोभ मोह माया, ये चीजें बताई गई थी। मैं कहता हूँ ये मन से ही शुरू होती है, ये हाँ, ये पांचों चीजें जो बताई हैं, ये पांचों की पांचों मन से शुरू होती हैं। देखो, लोभ मोह माया, ये तो हम आज के समय में शायद मुश्किल ही छोड़ सकते हैं, लेकिन हम ध्यान जरूर लगा सकते हैं कि कितना हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हद से ज्यादा कोई भी चीज है वो हमारे लिए हानिकारक होती है। और क्रोध का तो मैं आपको अगर बताऊं, हमारे शरीर पे इतना प्रभाव है, बहुत ज्यादा प्रभाव। हमारा जो लीवर है, छोटा सा भाग होता है जो क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। अभी आप लोग जो क्रियाएं कर रहे हो, हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए कर रहे हो, कि हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, दोनों बड़े अच्छी तरह से कार्य करेंगे। और ये दोनों ही हमारे जो तंत्र हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को, ये दोनों ही हमारे लीवर के ऊपर निर्भर करते हैं। जिसका लीवर फेल हो जाता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, और इस लीवर को सबसे बड़ा नुकसान होता है गुस्से से। तो मेरी प्रार्थना है, विनती है सभी से आप, कि जो ये गुस्सा है इसको थोड़ा सा नियंत्रित करें, प्रयास करें। और इसको नियंत्रित करने का सबसे आसान यही है कि अपना आत्मचिंतन करें, अपने बारे में जानें। सबसे बड़ा ये होता है कि हम गुस्सा करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हम अपने आप को पहुंचाते हैं। तो इसलिए गुस्सा जितना हो सके नियंत्रण करें, उस चीज पर प्रयास करें, क्योंकि एकदम से कोई भी बदलाव हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति कभी एकदम से कोई बदलाव नहीं करती, तो हम भी अपने शरीर में कोई बदलाव नहीं कर सकते। और आजकल कुछ बच्चे जो हैं बदलाव करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कुछ दवाइयाँ वगैरह खाते हैं होने के लिए ताकतवर। अभी हमारे नज़दीकी जिम है, यहाँ के बच्चे आते होंगे जो कर रहे होंगे प्रयास, बहुत बड़ा नुकसान है। वो सोचते हैं कि एक थोड़ी सी चीज़ को खाते ही हम शरीर को इतना जल्दी से विकास कर लें उसका, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो धीरे धीरे होगा काम अच्छी तरह से होगा। जल्दबाजी में कुछ भी करोगे वो अच्छा नहीं होगा। बस आज शायद इतना ही समय दे पाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया मुझे 10 मिनट का, ज़्यादा ही ले लिया होगा शायद, और आगे मैं ज़रूर बताऊंगा कुछ ज़रूरी बातें आपको। मेरे साथ एक बार दो नारे लगाएंगे छोटे से, बस एक मिनट के अगर आप रुक जाओ, बोलना पड़ेगा आपको। वंदे वंदे, जय जवान, इनकलाब, ये ऐसे नारे हैं जिन पे क्या पता लाखों क्रांतिकारी जो हैं अपनी जान गंवा गए। वंदे वंदे, जय जवान, जय किसान, इनकलाब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां मासूमी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मासूमी का आपको।
अच्छी अच्छी बात बताई। नमस्कार जी, आज स्वतंत्रता के दिन 15 अगस्त 2019 के दिन मास्टर विजय जी ने बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद।